एक सर्वे के अनुसार देश की जितनी आबादी है उससे दोगुना खाना डेली बनता है देश में, लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से 50,000 करोड़ का खाना देश में हर साल गटर में बहाया जाता है। ध्यान से सुनिए, हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां अन्न को भगवान माना जाता है, जहां खाने के दाने को फेंकना हराम माना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम भूख है, उसके सर्वे के मुताबिक 20 करोड़ भारतीय रोजाना बिना भोजन के सोते हैं। 70 लाख बच्चे कुपोषण और भुखमरी से हर साल मर जाते हैं। देश की 45% जमीन जो बंजर होने लगी है, जहां वाटर लेवल डाउन हो गया है, उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिए गए ताकि खेती की जा सके और लोगों का पेट भर सके। लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उपजाते हैं उसे खाते नहीं, फेंक देते हैं। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से। 300 मिलियन लीटर तेल हम रोज जलाते हैं, उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है। अगर इंसान है तो प्लीज राशन का सामान उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो। ऑफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी ना लें, क्योंकि वह कूड़ेदान में ही जाएगा। 20% सामान हम भारतीय जो खाने के लिए खरीदते हैं वह फेंक देते हैं। स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। बाजार से सब्जियां लेकर आते वक्त ध्यान दें कि घर में कितनी इस्तेमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी। हरी साग भाजियों को पहले बनाकर खत्म करें, अन्यथा फेंकने में जाएगी। दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में ही फ्रिज से निकालकर इस्तेमाल कर लें, दूसरे दिन का प्लान करेंगे तो खराब हो सकता है। रात में बचे तो उसे ब्रेकफास्ट कर लें। अगर ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में है जहां कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, या कोई होटल आपके पहचान का है जहां खाना रात में बच जाता है, तो मैनेज कीजिए उनके साथ मिलकर। कॉन्टेक्ट कीजिए अपने आसपास के एनजीओस को, वो हेल्प करेंगे ये खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। शादी पार्टियों में भी ये चीज की जा सकती है। और इन सबसे बड़ी बात, आप सभी युवाओं से, देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या घूमते फिरते कुछ खाने का मन करे तो प्लीज घर में फोन जरूर लगाइए। माँ को जरूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना माँ, नहीं तो देश की मेहनत भी उस खाने के साथ नाली में जाएगी और आपकी माँ की ममता भी वहीं बह जाएगी। जहां से हूं वहां की बात करता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की कहानी कहूंगा। एक कहावत है मेरे देश में, जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती, जिस घर में खाने की बेइज्जती होती है वहां बरकत नहीं होती। तो इतना ही कहेंगे, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन खाने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। जहां की चीज है ना वहीं रखनी चाहिए। और ये वीडियो शेयर करने के लिए है, देख कर भाग जाने के लिए नहीं, क्योंकि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रहेगी आपको। धन्यवाद।